हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। आज हम डिटेल्स एनालिसिस करेंगे डॉक्टर रेड्डीज के बारे में। कंपनी ने अपने Q2 के रिजल्ट को डिक्लेयर किया। सबसे पहले हम जानेंगे रिजल्ट कैसे रहे। एज यू कैन सी, जो कंपनी का सेल्स है सितंबर का, वो है 3823 करोड़, जो कि लास्ट क्वार्टर में 3434 करोड़ था। लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 3346 करोड़ थे, यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट जो है वो इम्प्रूव हुए। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 748 करोड़ वर्सेस 562 करोड़, एंड ये बहुत ही अच्छा फिगर है। 748 करोड़ का प्रॉफिट सितंबर में, यानी लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 817 करोड़ का प्रॉफिट था। कंपेयरिंग टू दैट ऑपरेटिंग प्रॉफिट घटे, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर यानी मार्च एंड जून के कंपैरिजन रिजल्ट आर इम्प्रूव्ड। अगर हम टोटल प्रॉफिट भी वो टैक्स फिगर को देखें, वो है 649 करोड़, जो कि लास्ट क्वार्टर में 544 करोड़ था, एंड लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 620 करोड़, यानी प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है वो ईयर ऑन ईयर भी इम्प्रूव हुए, क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी इम्प्रूव हुए। नेट प्रॉफिट 449 करोड़ वर्सेस 413 करोड़, लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 481 करोड़ थे, यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर नेट प्रॉफिट इम्प्रूव हुए, ईयर ऑन ईयर नेट प्रॉफिट जो है वो थोड़े घटे। नाउ अगर हम कॉन्सोलिडेट फिगर को देखें, सो टोटल सेल्स 5747 करोड़ वर्सेस 4945 करोड़, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 1360 करोड़ वर्सेस 734 करोड़, सितंबर क्वार्टर में 1156 करोड़ था। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 1272 करोड़ वर्सेस 556 करोड़, क्वार्टर ऑन क्वार्टर ऑलमोस्ट डबल हो चुके हैं। लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 873 करोड़ का फिगर था, एंड जो नेट प्रॉफिट का फिगर है वो 996 करोड़ है। लास्ट क्वार्टर में 380 करोड़ का फिगर था, एंड लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 772, दैट इज द मोस्ट आउटस्टैंडिंग फिगर। अगर आपको इसका प्रॉफिट को देखेंगे 996, यानी ऑलमोस्ट 1000 करोड़ का प्रॉफिट। लास्ट टाइम कंपनी ने सितंबर 2019 में ऐसा रिजल्ट डिक्लेयर किया था, जब कोविड के कारण सारे फार्मास्यूटिकल स्टॉक्स में बहुत अच्छा उछाल हमने देखा था। आफ्टर दैट, दैट इज द एक्सेप्शनल नंबर, एंड लुक एट द ईपीएस 59.84, जो कि लास्ट क्वार्टर में 22.87 थे, यानी बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट। दिस इज द आउटस्टैंडिंग रिजल्ट। नाउ अगर इस स्टॉक के हम पीयर्स के साथ कंपेयर करें, तो फार्मास्यूटिकल में जितने भी कंपनी है, डीवीज, डॉक्टर रेड्डी, सिप्ला, एबॉट, दीज आर माय फेवरेट कंपनी। उसमें से जो डॉक्टर रेड्डी का मार्केट कैप है, अकॉर्डिंग टू द मार्केट कैप, ये नंबर 3 पे आता है, 76,000 का मार्केट कैप। नाउ पी रेशियो 43.77, डीवीज लैब एक टाइम इसी के आसपास का मार्केट कैप हुआ करता था, बट डीवीज लैब बहुत ही ऊपर चला गया है, एंड इसका मार्केट कैप 66.34 है। ROCE 15.39 है, कंपेयर टू डीवीएस ये कम है, बट एवरेज है। सो अकॉर्डिंग टू मी, जो सिप्ला का प्राइस टू अर्निंग है सबसे अट्रैक्टिव है, 27.80 इन दिस पर्टिकुलर कैटेगरी, बट डॉक्टर रेड्डी का जो रिजल्ट है वो एक्सेप्शनल है, एंड इन दिस पर्टिकुलर रिजल्ट के बलबूते स्टॉक फिर से 5000 के माइलस्टोन को भी अचीव करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर हम इस कंपनी के टेक्निकल्स को देखें, सो RSI एंड MFI रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स एंड मनी फ्लो इंडेक्स, जो टेक्निकल एनालिसिस के बहुत ही इंपॉर्टेंट और टूल्स है, उसमें स्टॉक का स्कोर है 40.1, 61.3, 70 को स्टॉक ओवरबॉट होता है, 30 के नीचे ओवरसोल्ड। सो RSI में स्टॉक इज नियर टू द ओवरसोल्ड जोन, एंड MFI में ओवरबॉट जोन के से बहुत नीचे है। सो शॉर्ट टर्म में स्टॉक अगर 5000 को भी टच करे धीरे धीरे, तो स्टॉक ओवरबॉट नहीं होगा इन टेक्निकल टर्म्स। रिटर्न की बात करें, 1 week का रिटर्न फ्लैट है, 1 month का -5%, 3 month का फ्लैट, 6 month का -8.68%, एंड 1 year का 5.72% नेगेटिव, यानी लास्ट 1 year में स्टॉक ने कोई पॉजिटिव रिटर्न ही नहीं दिया। इसी रेंज में स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है, एंड जो 5600 का हाई है वहां से भी नीचे है। बट अगर हम इस रिजल्ट के बेसिस पे देखें, तो स्टॉक ऊपर की तरफ जा सकता है। अगर हम इसका 30 डे 50 डे 100 डे 200 डे सिंपल एक्सप्रेशन मूविंग एवरेज देखें, स्टॉक अपने सारे सिंपल एंड एक्सप्रेशन मूविंग एवरेज के नीचे है, यानी सारे जो सिंपल एंड एक्सप्रेशन मूविंग एवरेज है, दे आर लाइक अ रेजिस्टेंस फॉर दिस पर्टिकुलर स्टॉक। सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है 200 डे सिंपल एंड एक्सप्रेशन मूविंग एवरेज 4930, यानी एटलीस्ट 5000 जो है बिग 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 रेजिस्टेंस फॉर दिस पर्टिकुलर स्टॉक। सबसे पहले स्टॉक को उस रेजिस्टेंस को क्रॉस करना पड़ेगा, इन दैट वे छोटे मोटे रेजिस्टेंस आएंगे, जस्ट लाइक 4657, 4247, 4794, these are the resistance, यानी each and every 50-100 rupees are resistance for this particular stock. Now, अगर आपको इस particular stock के सबसे बड़े support की तरफ देखना है, so I don't think so, इसका बहुत बड़ा support बोलने की ज़रूरत है, क्योंकि जिस तरह का result है, इसके बलबूते stock बहुत नीचे नहीं जाएगा। अगर नीचे की तरफ आता भी है, 4200, 4300 is a big support for this particular stock. अगर हम सबसे last में stock के बारे में कुछ important parameters को और देखें, आज का closing है 4659, 52 यानी 4200 इज अ बिग बिग सपोर्ट फॉर दिस पर्टिकुलर स्टॉक। टेक्निकली 4500 आप स्टॉप लॉस लगा के स्टॉक को ट्रेड कर सकते हो मंडे को। आई थिंक स्टॉक ऊपर की तरफ भी जाने वाला है, ऑल्दो रिजल्ट जो मार्केट आवर्स में आए थे, यानी
स्टॉक ऊपर की तरफ आया था, थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग भी आया मार्केट करेक्शन के साथ साथ, बट ओवरऑल 5000 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल फॉर दिस पर्टिकुलर स्टॉक। वहां तक भी जाएगा, अगर वहां तक जाके उसके पास सस्टेन करता है देन बहुत अच्छा ब्रेकआउट देगा ये स्टॉक जो 5500 की इसको ले जाएगा। अगर मार्केट कैप ऐसा 77000 करोड़ पी 44.62 एंड सबसे लास्ट में अगर इस पर्टिकुलर स्टॉक के हम शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें, सो एज यू कैन सी जो प्रोमोटर्स है उसके पास 26.72% देखे, लुक एट द एफआई फिगर 27.76, लुक एट द डीआई फिगर 21.4 एंड रिटेल इन्वेस्टर 23.84। राकेश झुनझुनवाला इज ऑल्सो वेरी बुलिश इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक। शेयर होल्डिंग पैटर्न इज एक्सेप्शनली वेल, अगर हम नॉर्मल देखें सो इट्स अ 4:1 रेशियो, यानी प्रोमोटर्स एफआई डीआई पब्लिक होल्डिंग ऑलमोस्ट सिमिलर, जो कि बहुत ही आउटस्टैंडिंग नंबर। ये था डॉक्टर रेड्डी को लेकर मेरा एनालिसिस, रिजल्ट अच्छे, स्टॉक ऊपर की तरफ जाएगा, करेक्शन में अगर मार्केट के साथ गिरता है तो आप एक्यूमुलेट कीजिए, आई डोंट थिंक सो 4000 के नीचे जाएगा, बट जितना नीचे आएगा एक्यूमुलेट कीजिए, अगर इसी प्राइस में ओपन होता है देन आप लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक को बाय कर सकते हो, आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगा ऐसा मेरा मानना है, बट दिस इज अ इन्वेस्टमेंट स्टॉक नॉट अ ट्रेडिंग स्टॉक। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस, टिल देन गुड बाय।